किसी शख्स पे आलिम होने का लेबल लग गया तो अब वो बुराई की तरफ जा ही नहीं सकता है। वो बच्ची बड़ी साबर है, वो बड़ी चुप रहती है, वो हर एक की बात मानती है। तौबा इतनी खानदानी होती है कि गुनाह से पहले वो ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं होता जो बुराई के बाद अल्लाह से वो ताल्लुक होता। इस्लाम में ये भी मना है, वो भी मना है, वो भी मना है, तो वो इस्लाम लाइक बिल्ला ऐसा तो बिल्ली कैसी होगी। मौलानाओं के सर पे सींग होते हैं जिसकी वजह से आप 90% ऑफ द वुमेन एंड मेन इन आवर सोसाइटी कैन नॉट स्लीप। होटल में किसी की अम्मी फौत हो जाए ना जी जी तो मैं गुसल जाती हूँ। या आपके पेरेंट्स की कुछ अच्छी तालीमात होंगी जो कहीं ना कहीं किसी मौके पे आपके काम आ गए। शादियों पे आपको क्या लगता है कि डांसर आके नाचती हैं? इस्लाम में आने का ये मतलब नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते। मोती नमाज नबवी मुंतखब अहादीस इस्लामी तर्ज जिंदगी और रहीकुल मखदूम असलुल बयान रियाजुस सालिहीन ये तो सारी किताबें माशाल्लाह दीन से मुताल्लिक। कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूं। कमाल, फिर तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे जो आपको बुरा लग जाए। लेकिन तुम जो गीबत का गुनाह कर रहे हो ना, ये तो तुम मुझको गवाह बना रहे हो। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है ना कि उनके घर मेहमान आए, आते ही भुना हुआ बछड़ा रख, छोटी बच्ची है उस जैसी है बिल्कुल। राबी पीरजादा तो कि ये सिंगर थी और कैसे दीन की तरफ आई, तो मैंने कहा चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा एक व्लॉग बनाते हैं। जो ख्वातीन दीन की तरफ आना चाहती हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी इससे। अच्छा, और मैंने कहा यार मैं वैसे तो नहीं देखती, चलो मुझे उनकी बात सुनाओ। मैंने आपका वीडियो देखा और आपने एक बड़े अच्छी बात की जो कि मैं बड़े ही उस दिन से मैंने आपके लिए दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, मैं वैसे उससे पहले मैं टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज इन द मीडिया मैं बहुत अवॉइड करती थी मुफ्ती मौलवी इस तरह के हजरात को, बिकॉज आपको पता है एक अजीब सी मिसकॉन्सेप्शन सी बनी हुई है। बिकॉज आप एक ऐसे मुफ्ती हैं जो कि यंग जनरेशन में भी इक्वली पॉपुलर हैं। आपको सिर्फ वो लोग नहीं सुनते जो दीन के लोग हैं, आपको वो लोग भी सुनते हैं जो दीन के नहीं हैं, जो दीन के बारे में जानना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई एडमायर अ लॉट अबाउट यू। और आपका बहुत शुक्रिया आप मेरे घर तशरीफ लाए। आपके लिए मैंने दो कैलीग्राफीज भी रखी। हर इंसान की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं सोशल वर्क करती हूँ, मेरे साथ 300 से ज्यादा खवातीन जो है अल्लाह ने उनका रिस्क हलाल लगाया। जो हया बाय राबी जो मैंने बाया पहना हुआ, ये खवातीन खुद बनाती हैं, खुद बेचती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मेरे स्कूल्स हैं जिसमें बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, 3 स्कूल्स हैं। और शाम को वो कुरान स्कूल्स बन जाते हैं जो कि बालगों के लिए हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए है। शोबिस तो आप छोड़े, एलीट क्लास में भी अगर आप चले जाएं, आजकल एलीट क्लास जो है वो शोबिस से ज्यादा आगे चली गई। आप कभी किसी शादी में चले जाएं तो आपको वहाँ पे जो खवातीन डांस करती हुई नजर आएंगी, आपको नहीं समझ आएगी कि मीरा रीमा इनसे अच्छा डांस करती है। बहुत सारे लड़के चले जाएंगे ये ना बताएं आप। एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तानी लड़के अब से शादियों में जाएंगे अगर आप इच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड दैट इज दैट नहीं एक्चुअली दिस इज हैपनिंग, ये होता है। और मैं हमेशा उन शादियों को अवॉइड करती हूँ, उन्हें कहती हूँ यार जब नाच गाना होना तो मैं खिसक जाऊंगी, मैंने जिंदगी में बड़ा देख लिया। तो हम जहाँ पे बहुत सारी चीजें वेस्ट की फॉलो करना शुरू, जैसे शादियों के बाद अब एक और रिवाज भी आ गया जी, दुल्हा दुल्हन को किस करता है स्टेज के ऊपर, विच वॉज लाइक मुझे तो ये पता था कि क्रिश्चियंस करते हैं, तो मुसलमानों में भी आ गया। मे बी इट्स ऑन द फोर हेड और वेयर एवर इट इज, बट हम लोगों की जो इकदार है ना, इकदार हमारी खराब हो गई है। हमारी इकदार ऐसी हो गई है, अब जो बीबी जो है वो लाउड बोलेगी या चीख चीख के बोलेगी या कुछ अपने अपने आप को मनवाएगी, हम उसको ठीक समझते हैं। पुराने जमाने के इकदार थे, वो बच्ची बड़ी साबर है, वो बड़ी चुप रहती है, वो हर एक की बात मानती है। इस घर से कभी उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आती, रात को घर वाले टाइम पे 10 बजे तक सो जाते हैं। आजकल तो इट इज ऑल द वे अराउंड, ये तो जगह आप देखे ना कि ये तो टाइम ही डिफरेंट हो गया जी। और मैं मुफ्ती साहब आप यकीन करें मुझे ऐसा एक बार लगता है कि मैं कुछ 70-80 साल की बंदी हूँ। अच्छा। और मैं वो टाइम गुजार के जो है ना मुझे आई डोंट फील लाइक आई बिलोंग हियर, मुझे बहुत डिफरेंट सा लगता है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मैं अल्लाह से सबसे पहली नमाज के बाद ये दुआ किया कि या अल्लाह मुझे ऐसा ही रखना, मुझे इन अकदार में इन रोशनियों में ना खोने देना, तो अल्लाह साबित कदम रखे। आपने शोबिस की दुनिया देखी है, वहाँ की रंगीनियाँ देखी हैं, जिनको वहाँ की बहारें समझा जाता है वो दुनिया भी देखी है आपने, और माशाल्लाह आप कन्वर्ट हुई दीन की तरफ, मज़हब की तरफ। और मैं ये तफसीर की किताबें देख रहा हूँ आपके यहाँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, बिखरे मोती नमाज नबवी मुंतखब अहादीस इस्लामी तर्ज ज़िंदगी और रहीकुल मखदूम असलुल बयान रियाजुस सालिहीन, ये तो सारी किताबें माशाल्लाह दीन से मुतालिक हैं। तो आप लड़कियों को
जो लिबरलिज्म मॉडर्निज्म की तरफ जा रही हैं, जिन्हें उस दुनिया में एक अय्याशी और एक बेहतरीन फ्यूचर नजर आ रहा है। आपने दोनों दुनिया देखी, मेरा आपके पास आने का बड़ा मकसद भी यही है। मैं अगर मिंबर पे एक बात करता हूँ तो लोग कह सकते हैं मुझसे अब आपको मॉडर्निज्म का क्या पता, आप जरा आओ उस दुनिया को देखो तो पता चले ना। तो आप लोगों ने तो वो है ना, वो गालिब का शेर है कि हाय कमबख्त तूने चखी ही नहीं। मुझे शेर अक्सर एक ही मिसरा आता है जो मतलब का होता है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि आपको क्या पता इस शराब का मजा क्या है। हमारी बात को लोग इस तरह से देखते हैं, लेकिन आपने दोनों दोनों दुनियाओं को देखा है, उस जिंदगी को भी देखा, इस जिंदगी को भी देखा। तो आप कैसे कंपेयर करती हैं, और उन खवातीन को या उन लड़कियों को जो उस दुनिया से और उसकी जीनत से बड़ी मुतासिर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? देखें, सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि हमारा इवन नॉट बीइंग इन द शो बिज, जो हमारी सारी अलीट क्लास है ना, जो जी हमारी, देखो अलीट मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रही हूँ कि तब्दीली जो है ना वो पाकिस्तान में अलीट से गरीबों में आती है, जो जी अलीट जी करता है ना वो गरीब करना शुरू कर देता है, जी जी मे बी टू बिकम देम जी सेल्फ हाँ और वट एवर। तो जो सबसे बड़ी बात है खवातीन की कि हमें ना, हमें एक मरकज चाहिए घूमने के लिए, जैसे सियारे हैं ना सारे, जी चांद सूरज, वो जी एक जी मरकज में घूमते हैं। जी और मैं नमाज उस वक्त भी पढ़ा करती थी। दो तीन चीजें हैं जो कि जी मेरे शोबिज वाले दोस्त भी बताएंगे कि मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा और नमाजें अच्छा हमेशा से पढ़ती थी। ये नहीं कि छुट्टी माशाल्लाह नहीं जी थी, लेकिन जी 7 साल की उम्र से नमाजें पढ़ी। लेकिन हाल वही था, वो जो इकबाल के शेर का है, वो जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सही तो बड़ा ऐसा था कि मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ तो दुनिया में गुम हूँ, नहीं समझ आती थी मुझे, जी लेकिन मैं बेचैन होती थी। मैं कहती थी इतना पैसा आ गया, जी इतना फेम मिल गया, जी इतनी ट्रेवलिंग, आधी दुनिया मैंने घूम ली, सारा कुछ देख लिया, नाउ व्हाट, उसके बाद क्या। जी हमसे पहले कितने चेहरे आए और गुम हो गए, जी हम भी गुम हो जाएंगे, जी लेकिन एक दिन ना आप इस दुनिया में होंगे ना मैं होंगी। जी तो ये क्वेश्चन बड़ा मुझे ना हॉलो करता था, खाली करता था, बेचैन करता था। मैं कहती थी व्हाट नेक्स्ट, जी इसके बाद क्या, जो सब अल्लाह ने मुझे मुझे चाहिए था वो सब अल्लाह ने दिया, इसके बाद क्या। जी वो जो बेचैनी है ना, वो जी बेसिकली आपको ये समझ आती है जब आप अल्लाह की तरफ चले। और मैं बताऊं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी जी लड़कियां थी वहां पर, जो कहती थी कि यार इस्लाम जो है ना वो खीरा काटने का तरीका और ये तरीका, तो अच्छा चादर लेने का तरीका, दे डू सही नॉट प्रोड्यूस डॉक्टर्स, दे डू नॉट जी प्रोड्यूस इंजीनियर्स, और यू नो आईटी ग्राफिक डिजाइनर, दे डोंट डू एनीथिंग, हर चीज वाज लाइक प्रोहिबिटेड। जी इस्लाम में ये भी मना है, वो भी मना है, वो भी मना है, तो वो इस्लाम लाइक सफोकेट करता है। जी और अगर अभी भी आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो मैं उस सफोकेशन को ब्रेक करने के लिए समटाइम आई डू लाइक इन द सही नॉर्मल दुपट्टा एंड शलवार कमीज, लाइक जी पाकिस्तानी लड़कियों की तरह मैं वैसे जी ड्रेसअप करती हूँ सही ताकि वो सफोकेशन ना हो। ठीक मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हूँ, मैं माशाल्लाह अल्लाह ने बस इस तरह किया हुआ है कि मैंने मैट्रिक में भी पोजीशन ली, एफएससी में भी ली, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अदरवाइज। तो अच्छा दिमाग जरा बड़ा तेज था, तो पिछले 3 साल से मैं बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ती रही, जिनमें तो एक आपके साथ भी शामिल है, इनसे जी जी थोड़ा सा अच्छा पढ़ा, लेकिन बहुत सारे अल्लाह ने ऐसे लोग दिए जिन्होंने मुझे दीन को बताया सिखाया। और आप सोचें कि हजारों लोग जिनमें हिंदू और क्रिश्चियंस भी होते हैं वो मेरा जी कुरान सुनते हैं जब मैं उनके अच्छा बारे में, उसके बारे में बात करती हूँ, जी आजकल के दौर के बारे में। गुड तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक एक डायरेक्शन मिली है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू टेल पीपल कि यार इस्लाम में आने का ये मतलब नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की सर्विस का एक अलग रास्ता है, एक अलग जगह है। जी जैसे आप हैं, आपने अपनी जिंदगी वक्फ की है अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए, जी आपकी बहुत इज्जत है माशाल्लाह, अल्लाह और दे। लेकिन चलिए मैं उस पॉइंट पर आ रही थी कि अगर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ही कैन प्रीच एज वेल, बिकॉज लोग उनकी बात सुनते हैं। जी तो अल्लाह की तरफ बुलाने का, अल्लाह की तरफ करने का, आप सोचें कि मैं कुरान लिख रही हूँ, जी अल्लाह ने मुझसे 20 सिपारे लिखवाए, और मैं यू नो आई एम फ्रॉम, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जिसमें उर्दू लिखनी नहीं आती, मैं बहुत यो किस्म के बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा आप मेरी हैंड राइटिंग देख सकते हैं पीछे, अच्छा ये आपकी राइटिंग जी ये है, मेरी वाह राइटिंग है, माशाल्लाह। और मैं वो बंदी हूँ जो कि उर्दू नहीं लिख सकती। तो तो मेरे ये अल्लाह का ये तोहफा किसने है, सिखाया आपको? अल्लाह ने, नहीं, मैं अल्लाह यही ने तो तो बता रही हूँ ना, सिखाया। जी यही जी तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मुझसे बड़े नहीं, लोग अल्लाह ने पूछते मुझे हैं। क्यों नहीं सिखाया? अच्छा ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं इतनी सिखाया। अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है। मैं तकरीबन 8 साल से पेंटिंग्स करती हूँ, मेरी पेंटिंग्स अच्छा मिलियंस की बिकती हैं, अच्छा अच्छा और पेंटर जो होते हैं वो कैलीग्राफर नहीं होते, कैलीग्राफर पेंटर नहीं होता। और मैंने ना जब ये मैं दीन की तरफ आई तो मेरा जी दिल किया, मैंने कहा यार मैं अल्लाह का नाम लिखूं, जैसे मैंने बड़ी हम्द लिखी, नात लिखी,
तो मैंने वो ढेर सारे वो लेकर आई कलम, और वो एक दो लोगों से भी पूछा, मैंने कहा मुझे लिखना बता दो, मेरे से नहीं लिखा गया। तो जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे जी कहा कि राबी, इंटरनेशनली एक जो पेंटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो कैलीग्राफर नहीं हो सकता जी और कैलीग्राफर आर्टिस्ट नहीं हो सकता, तो क्विट इट। सही मैं छोड़ दिया, उमरा करने चली गई, अल्लाह से मिलने चली गई। फिर जब मैं वापस आई तो ये कलम और दवात यहाँ पे पड़े हुए थे। मैं अच्छा आपको सही बात बता रही हूँ, मेरी जी जिंदगी के मिरेकल्स बता रही हूँ। तो मैंने अलिफ लिखा, मुझे बड़ा अच्छा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो अलिफ सही मैंने अच्छा लिख लिया। फिर मैंने अल्लाह लिखा, इतने पेपर्स थे, ये ऊपर जी मेरी मैनेजर बैठी हुई है, उनसे जी पूछे हैं कि वो सारे पेपर मैंने भरने शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और उसके सही बाद अल्लाह ने हाथ नहीं रोका। जी और मैंने, जब मैं उधर थी उमरा पे, जब मैं कैलीग्राफीज देख रही थी, तो मैंने कहा था कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे अरेबिक लिखनी सिखा दी तो मैं कुरान लिखूंगी। फिर वो अल्लाह से किया वो वादा जो था, वो प्रिंटिंग पीके के साथ मिलकर अल्लाह ने कुरान लिखवाना शुरू किया। अभी 21वां सिपारा आज लिखा है मैंने, आई मीन लिख रही हूँ, अच्छा उसके 2 से 7 माशाल्लाह लिखे हैं मैंने। तो अल्लाह के इतने करम है जी मुफ्ती साहब, मैं आपको बताऊं कि बचपन से ये जो सांप, शेर, मगरमच्छ, मैं इनके साथ वीडियोस करती थी, खेलती थी, मुझे नहीं पता था, मुझे आज तक कभी तंबूड़ी ने भी नहीं काटा, भेड़ ने भी नहीं अच्छा काटा। मेरे अच्छा साथ जानवरों का ये रवैया ये होता है कि मैं चली वो जाऊं तो बिल्ली वो तो आपकी बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्ली उसके घूम रही बच्चे थी, भी उसको दिए तो हैं मेरे से बड़ी उसने, फ्री हो गई वो। वो बिल्ला अच्छा है बिल्ला है वो बिल्ला ऐसा तो बिल्ली कैसी होगी अच्छा, मैंने तो कहा था वो बिल्ली को भी ले आए, अच्छा मुझे वो बड़ी प्यारी बिल्ली लग रही थी, बड़ी उसके खूबसूरत। बच्चे भी उसने मेरे ऑफिस में दिए हुए हैं। अच्छा 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 तो उससे फिर ये था कि मुझे कभी जानवर अटैक नहीं करते थे, बल्कि जो जो हाइपर जानवर थे उनको जी मैं काम डाउन भी कर लेती थी। अल्लाह के अच्छा गिफ्ट में से गिफ्ट था, बट अच्छा मैं उसको कैसे यूज करती थी, मैं नरेंद्र मोदी को धमकियां देती थी, मैं तुम्हें सांपों से कटवाऊंगी, मैं पाइथन छोड़ूंगी, मगर आई मीन दैट वाज। और फिर मुझे, खैर, धमकी मैं इंडिया के उसको दे रही हूँ, वजीर आजम को, लेकिन मेरे मुल्क के जो ये हैं कौन से थे, वाइल्ड लाइफ वाले, उन्होंने मेरे पर ही केस कर दिया। मैंने अच्छा कहा भाई बात तो सुन लो कि मैं क्या क्या रही हूँ। जी और उस पे नहीं, भी ये उन्होंने था किस बात पे केस किया, कि क्यों? मैंने वाइल्ड लाइफ क्यों रखी हुई है। अच्छा तो मैंने उनको नहीं, समझाया, बिल्ली रखने पर तो मेरा ख्याल है कोई नहीं बिल्ली पाबंदी। नहीं, मैं सांपों, शेरों और ओ मगरमच्छों की बात कर रही हूँ। अच्छा, अल्लाह के ना मेरे पे बहुत इनाम आते हैं। और अभी अब भी है मैं, मगरमच्छ? हाँ जी, आप क्यों फिर वाइल्ड लाइफ का केस करवाना नहीं चाह नहीं रहे मैं हैं केस नहीं मेरे करवाऊंगा, ऊपर? वैसे ही पूछ रहा नहीं, हूँ। वैसे ही सुन लिया तो वो तुम अच्छा 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 इंतजार कर रहे अच्छा होंगे। और जी मैं कभी कभार कहती हूँ कि मुफ्ती साहब यकीन माने कि मेरी जिंदगी ना मेरे रब का शुक्र अदा करने के लिए बड़ी कम है, बड़ी कम है। और मैंने, आप यू कैन नेम इट, मैंने दुनिया में बहुत ग्लैमर देखा। दुनिया में मैं, आप जब मैं ट्रेवल करती थी तो बिजनेस क्लास से नीचे मुझे ट्रेवल नहीं करना आता था। सही मुझे किसी नॉर्मल होटल में मैं नहीं रुक सकती थी। सही और मेरे लिए ये था कि यू नो, जो होती नहीं है, जो बड़ी पेम्पर्ड खवातीन हो जाती हैं, आई वॉज वन ऑफ जी द पेम्पर्ड पर्सन। मैंने 15 साल की उम्र में, आई वॉज 15 वेन आई ज्वाइंट शोबिज, एंड आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 30, 29 वेन आई लेफ्ट शोबिज। जी और इस दौरान में जो मैंने जितना कुछ देखा, मैं अब उसको अपने दीन की राह में कंपेयर करती हूँ, तो मेरी एक तहज्जुद के ऊपर जो है ना, मेरी अपनी जिंदगी के सारे वो दिन जो मैंने अच्छा शोबिज में, एंड आई वाज अ प्रोड्यूसर, मैं तो टीवी ड्रामे प्रोड्यूस करती थी, मैं न्यूज एंकरिंग करती थी, टेल मी व्हाट आई डिडंट डू। मेरे लाखों, मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कंपनीज के, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने मुझे हर साल ये पैसे देने थे। आई वाज ब्रांड एम्बेसडर, आई वाज स्पोक्स पर्सन फॉर जी कपल ऑफ थिंग्स। और जब मैंने शोबिज छोड़ा, उस वक्त ये सारी ऑफर्स पीक के ऊपर थी मेरे लिए। और वो कहते हैं ना कि कुछ उड़ाने तो ढील होती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो उड़ाने मैं भरने जा रही हूँ, मेरी अल्लाह की तरफ से ढील है। सही अल्लाह, तो कुरान पाक में लिखा है ना कि हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, जी अल्लाह खुद सिलेक्ट करते हैं, इसको हिदायत देनी है, इसको नहीं देनी। तो जी मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वी हैव टू एक्सप्लोर विद इन, अपने अंदर ढूंढें, जी अपने हर बंदे के अंदर नेकी है। मुझे हर इंसान अपने आप से अच्छा लगता है। जब मैं शोबिस के बाद, मेरी कुछ खवातीन आई मेरे से मिलने के लिए, जो कि थी जरा गड़बड़ थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई, जब मैं उनकी तरफ देख रही थी, मुझे ऐसा लगा वो मुझसे पता नहीं कितनी बेहतर है। सही मुझे अपना इंसान, अपना अपना आप जो था, वो सबसे कमतर लगना। और पहले मेरी एरोगेंस ये होती थी कि मुझे अपने किरदार पे बड़ा फख्र था। मैं कहती थी मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कोई डांस पार्टी नहीं देखी। मैंने 15 साल के करियर में कभी डांस पार्टी नहीं देखी, मेरे कॉन्सर्ट के बाद आफ्टर पार्टी थी मैंने नहीं देखी। और बट गरूर किया मैंने इसके ऊपर, जी मैं लोगों को जो है ना वो पॉइंट आउट करती थी, ये मीरा ने किया, मैं भी शायद ने किया, ये नीलम मुनीर ने किया, ये फलाने ने किया, आई यूज टू नेम देम। हालांकि अब वो सारी खवातीन मुझसे बेहतर लगती है मुझे। और मैं बताऊं कि मुझे अल्लाह ने ना गुनाह की सजा दी, जी और उसके बाद अपने रास्ते पर चलाया, और ऐसा माशाल्लाह चलाया कि मैं हर सांस में, एक तो अल्लाह मेरे साथ है हर सांस में, समहाउ माशाल्लाह
व्हेनेवर आई ब्रीथ आई फील लाइक मैं अल्लाह का नाम ले रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हम उलमा से सुनते थे कि बाज़ दफ़ा कोई गुनाह इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बन जाता है, क्योंकि जब इंसान गुनाह से तौबा करता है ना, तो गुनाह से पहले अल्लाह से उसका ऐसा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन तौबा इतनी, यानी जो मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ ना, ख़ानदानी, अल्लाह सुना होगा आपने, तौबा इतनी ख़ानदानी होती है कि गुनाह से पहले वो ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं होता जो बुराई के बाद अल्लाह से वो ताल्लुक होता है। तो शायद आपका भी ये ज़िंदगी में पलटने का ज़रिया, जैसे आप बता रही हैं कि शोबिस की दुनिया में आपका आगे जाना और फिर आपको इस अल्लाह की तरफ आना और फिर तौबा की तौफीक मिलना, तो ये जो तौबा की तौफीक आपको मिली, इसने आपको बुलंदियों पे पहुंचा दिया। तो यानी मैं जो मुख्तसर आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ ना, कि जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो लड़कियां जाना चाहती हैं इस शोबिस की दुनिया में और मॉडर्निज्म की तरफ, मॉडलिंग की तरफ जा रही हैं, वो उसमें सुकून तलाश कर रही है। आपको सुकून किस में नजर आया? उस जिंदगी में नजर आया या इस जिंदगी में नजर आया आपको सुकून? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक आपको खुल के बात बताऊं कि जब दो दुश्मन पार्टियां होती हैं, जब दो दुश्मन ममालिक होते हैं, जी तो उसमें एक दुश्मन फौज का जो बंदा है वो दूसरी दुश्मन फौज के पास आता है ना, उसके पास बड़े राज होते हैं, जी 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 वो जी सब जानता है और उसकी बड़ी वैल्यू होती है कि यार इसको तो उनके सब. ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मीडिया है, इट इज बींग पेड लोगों सही को इस्लाम से दूर करने पर, इस्लाम को चेंज करने पर, जी हिंदुआना और दूसरी जो नॉन मुस्लिम्स की रिवायत है वो लाने पर. दे आर बीइंग पेड. आप सही जब, मैं ड्रामे बना के बेचती रही, मैंने बहुत चैनल्स को सही ड्रामे बेचे. 1 करोड़ का ड्रामा आप 7 करोड़ में बेचते हो, आपको 6 करोड़ अच्छा का प्रॉफिट होता है. कैसे होता है? बिकॉज दे वॉन्ट सम पॉइजन इन द सोसाइटी. सही और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसकी तरफ दौड़े जाते हैं. अब ये जी जो टिकटॉक का, ये स्पेशली शादियों पे नाच गाने का, शादियों पे आपको क्या लगता है कि डांसर्स आके नाचती हैं? आप जाके देखिए कैसे कैसे घरों की खवातीन नाचती हैं. यार जी मुझे शर्म आ जाती है, बाप बेटी के साथ नाच रहे और गाना क्या लग रहा है? तेरा नशा नशा नशा, विच इज अ जी वेरी थर्ड क्लास आइटम सॉन्ग. जी माँ बच्चों के साथ नाच रही है. दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग पॉइजन. एक आप देखें, हर उस लड़की को वायरल. मैं कुरान लिख रही हूँ, मैंने 21 सिपारे लिख दिए. एक दौर था कि मैंने, मुझे बुखार भी हो जाना ना हल्का सा, या मैंने जी छींक भी मार देनी है, तो हर न्यूज के ऊपर राबी पीरजादा को बुखार हो गया, राबी पीरजादा ने ये कर दिया, राबी पीरजादा जहाज उड़ा रही है. मैं अच्छा, कुरान लिख रही हूँ, सब जहाज पे. भी उड़ाया हाँ आपने, जी, मैं जहाज कमाल। उड़ा. तो मैं कुरान लिख रही हूँ, तो बस सब पे सुकूत आ रही है, कोई मगरमच्छ बात नहीं आपने पाले हुए हैं, जहाज आपने उड़ाया जी. मैं कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है, हूँ. कमाल। फिर तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे जो नहीं, आपको बुरा लग जाए। आप जी। पूछे पूछे जो आपका दिल करता है. आप देखिए ना, वायरल हम कैसी खवातीन. हमने कभी ऐसी खातून को वायरल किया जिसने मेहनत से रिस्के हलाल कमाए? तो मैंने न्यूज़, अच्छा यार ठीक है ठीक है, यार उसने डांस किया, यार उसने बड़ा गंदा सा डांस किया. बाप देख रहा है, बाप देख रही है, बहन देख रही है शादी के ऊपर, और वो बड़ी गंदी मूव कर रही है, अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे हिला रही है जो कि इस्लाम में जी मना है. जी हम उन चीजों को वायरल करते हैं ताकि हम बाकी लड़कियों को खा. हु डजंट वांट टू गेट पॉपुलर? किसका दिल जी नहीं करता वो मशहूर हो जाए जी या लोग उसको देखें, उसको पहचाने, उसके साथ सेल्फियां लें? एवरीबडी वॉन्ट्स दैट. सही तो हम, मैं सारी लड़कियों को भी ये कहूंगी कि अगर तुमने मशहूर होना है, अगर जी तुमने लोगों के सामने आना है, तुम बीइंग अ रोल मॉडल आओ. जी अल्लाह के आगे मकबूल हो, अल्लाह तुम्हें लोगों में मकबूल करेगा. कहते जी हैं कि जो अल्लाह को पसंद होता है तो अल्लाह अपनी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, जी जी तो सब उससे प्यार करने लगते हैं. और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको पता है कि मैं चूंकि सोशल मीडिया के अलावा भी काउंसलिंग भी करती हूँ खवातीन की, जी बच्चियों की. बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को मेरे पास लेकर आते हैं. 90% ऑफ द वेमेन एंड मेन इन आर सोसाइटी कैन नॉट स्लीप, वो जी सो हाँ नहीं सकते. जी जी ये दो, जब से कोरोना शुरू हुआ है, लोगों की नींदें अल्लाह ने खत्म कर दी, उड़ गई जी हैं. जी वो जी जी क्यों बेचैनी है? क्यों मैं आराम से जाती हूँ, मुझे 10 नहीं गिने जाते, मैं सो जाती हूँ. माशाल्लाह उसकी वजह ये है कि हम दीन से दूर हैं. मैं, पता है मैंने इसका क्या इलाज बताया? मेरे जी साथ ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता था, आप भी सुने. सबसे पहले लोग कहते थे हमें ना नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, हम क्या करें, हम रात को देर तक जागते रहते हैं, तहज्जुद जी का वक्त हो जाता. मैंने कहा उठ के तहज्जुद पढ़ लिया करो. मैं भी पढ़ती. नहीं, राबी हमसे उठा नहीं जाता. मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, इन्वेस्टमेंट का तो सबको शौक होता है, लोग बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोने पे करते हैं. मैंने कहा तुम ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि तुम्हें नींद नहीं ना आती, तो तुम अल्लाह की कोई भी आयतल कुर्सी पढ़ो या चारों पुलों में से पढ़ो, और जी तर्जुमे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो, वो जी तुम समझो कि तुम इन्वेस्टमेंट करी हो अल्लाह के पास ना, तुम अपना वो भर रही हो, अपना जी खजाना भर रही हो, अपना अकाउंट जी फिल जी कर रही हो. जब मरोगे ना तो तुम्हें याद आएगा राबी ने कहा था कि यार नींद नहीं आ रही ना, तो उस टाइम को हम नहीं उठ रहे, हम बिस्तर जी से नहीं उठ रहे, हमारा आराम नहीं खराब हो रहा, हमारा दिल और दिमाग तो अल्लाह की हम जी जैसे जी ना कर सके. जी जी सो दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से.
तो लड़कियां भी आपसे रابطے में हैं, आप उनकी काउंसलिंग करती हैं, जी जी बहुत माशाल्लाह। ज्यादा, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने कोई यानी ऐसी लड़कियां हैं जो आप समझती थी बिल्कुल चेंज हो गई, वो उनकी जिंदगियां खराबी की तरफ जा रही थी, बेदीनी की तरफ जा रही थी, लेकिन आपकी मोटिवेशन से, आपकी काउंसलिंग से उनकी लाइफ में तब्दीली आई, तो ऐसी ख्वातीन हैं आप यानी आप? मैं एक काम करती हूँ, मैंने जी सबसे कहा हुआ है मेरे सर्कल में किसी की अम्मी फौत हो जाए ना जी जी तो मैं गुस्ल जाकर देती हूँ, अच्छा मुझे माशाल्लाह ना बुरा लगता है। हालांकि माशाल्लाह। मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड एक दौर में ये था कि इसके ये मेरे मैं आपको बता रही, मैंने एक फिल्म की, उस फिल्म में ना सबको मेरी आदत का पता था कि राबी के बर्तन को किसी ने यूं कर दिया ना, शी विल नॉट ड्रिंक फ्रॉम दैट, या अच्छा मेरे बर्गर को यूं कर दिया, मैं मैकडोनल्ड बड़ा जी खाया करती थी, तो वो मेरा हीरो जो था वो भाई बना था मेरा ऑफ द स्क्रीन, तो वो बार बार ना मेरे बर्गर खा लेगा, मैंने कहा मैंने नहीं खाना, दूसरा लेकर आओ दूसरा लेकर आओ। अच्छा मैं माओ की मैयत को गुस्ल देना बहुत माशाल्लाह पसंद करती हूँ माशाल्लाह और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है। माशाल्लाह। और जितनी बच्चियां मेरे पास आती हैं, जी देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आजकल का दौर ये जी है, ये जो मोबाइल है ना, इट हैज चेंज द एरा, इसने एक दौर बदल दिया है। जी अब हर इंसान जो है उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जिससे ही कैन गेट एक्सेस टू एनीबडी, जी आपसे बात कर सकता है, मुझसे कर सकता है, ही कैन रीच एनीवेयर। जी तो हमें उस रीच को, उस काम को, अब ये हम पर है ना कि हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी तो जो लड़कियां आती हैं वो ज्यादातर, मैं आपको बताऊं कि दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, एंड ये जरूरी नहीं है कि मैं गरीब अमीर सारी खवातीन को जी जी आई डील विद देम, बिकॉज जी कुछ मेरी नेबर्स हैं, कुछ पुराना मेरा तबका था, कुछ अब का है, कुछ को जादू टोने की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ के अच्छा तावीजों का मसला हो जाता है, मैं वो तो नहीं सॉल्व करा जी सकती, जी मैं कहती हूँ बस अल्लाह के कलाम में सबका वो है। जी लेकिन ये है कि आजकल बहुत बेचैनी है, क्योस है, लोगों के दिलों में सुकून नहीं है, जी और मेरा सिर्फ एक जवाब होता है कि तुम जितनी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खा लो, सुकून जो है ना वो अल्लाह की याद में है। माशाल्लाह और मैंने, आप यकीन माने, मेरा एक मेरे पर एक वक्त आया, मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी कि मैं अगर खुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं वो भी कर लेती, मैं इतनी अच्छा। परेशान थी उन दिनों में। नहीं, वो दिन आपकी पीक के दिन थे, आपकी शोहरत के दिन थे, जब मेरी आपको शोहरत खुदकुशी के के दिन ख्यालात थे, आते थे। मेरी शोहरत के दिन थे, और उसमें कुछ ऐसा हुआ, मेरी कोई पर्सनल ऐसी चीजें मेरी जी लीक हो गई जिसकी वजह से उस शोहरत को चार चांद लग गए, और जो लोग अच्छा मुझे ऑफर नहीं भी करते थे इंडिया से बाहर से, वो तो सारी ऑफर्स आना शुरू हो गई और अच्छा मेरी रस्सी दराज होना शुरू हो गई। अच्छा अब चूंकि मेरे अंदर अल्लाह ने शायद कुछ रखा था कि यार ये कभी कुरान लिखेगी, ये कभी ब्लड कुरान में कुछ पढ़ाएगी, चीजें होती हैं ऊपर खानदान से चली आ रही होती हैं, कुछ आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो कोई अच्छा होगा, आपके वालदेन, आपके बिल्कुल। दादा दादी नाना नानी। तो जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, कि उनके घर मेहमान आए, आते ही भुना हुआ बछड़ा रख दिया, हुँ, तो ये मेहमान नवाजी अरबों की ब्लड में हमने हमें नजर आती है, क्योंकि हुँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में। तो खानदान में ना कोई नेकियां, नेक लोग गुजरे होते हैं, तो उनकी नेकी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल वो सही ब्लड कह से रहे हैं आती आप, है। तो मैं समझता हूँ शायद आपके खानदान में कोई ऐसे नेक लोग गुजरे होंगे जिनके, या आपके पेरेंट्स की कुछ अच्छी तालीमात होंगी जो कहीं ना कहीं किसी मौके पे आपके काम आ गए। तो जैसे आप बता रही हैं ना कि यानी बजाय यानी जो चीज आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकती थी, बिल्कुल वही चीज आपको आपकी तौबा का जरिया बन गई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में इतने मिरेकल्स देखे हैं, इतने मिरेकल्स देखे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआवजा है ना वो ये है, इन्हीं मैं तो जिंदगी हैरान हो सबसे रहा हूँ बड़ा माशाल्लाह, मुआवजा। इतनी आप जबरदस्त हैरान हो बता रहे हैं, दी। जब मैंने पहली दफा लिखा मैं हैरान हो रही थी, मुझे अच्छा, खुद पर मुझे पता ही लग रहा था, और ये वो जो दिन आ गया खत्ताती मुझे। है ये बचपन में सीखी जा सकती है, अच्छा बड़े होके मुझे नहीं सीखी कत जा वगैरह का सकती। नहीं पता, अगर आप ये देखें ना सुलस है, ये भी मुझे बाद में पता चला, इसमें मुझे किसी कत का कोई नहीं पता कि कौन सा कत कहाँ पर है, कितनी वो है, आई राइट इट फ्री हैंड, और वो इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक के 21 सिपारे लिखवा दिए तो वो हाथ में माशाल्लाह फ्लो आ गया। तो माशाल्लाह। अल्लाह की मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि शायद किसी भी इंसान के साथ अल्लाह इतना कुछ दिखाता तो वो भी अल्लाह के सामने आ जाते, अल्लाह बस सही। ठीक है मैं मान गया मैं हार गई, राबी पीरजादा हैज लॉस्ट, राबी पीरजादा वाज अ पर्सन हु अच्छा, नेवर आपको न्यू जब हाउ टू दीन की लॉस। तरफ आई हैं तो फिर कोई मीडिया ने तंग तो नहीं किया आपको, कोई टाउटिंग, कोई ताने, कोई तंज, या आपके जो पुरानी फ्रेंड्स थी या और भी जो फ्रेंड थे आपके, आप पे तंज वंज तो नहीं किए कि जैसे होते हैं ना हमारे यहाँ जब लड़कियां दीन की तरफ आती हैं, मुल्लानी बन गई है, ठीक है ना, ऐसे मौलवन बन गई है, तो इस तरह के कोई ताने तो नहीं मिले आपको? एक्चुअली जब मैं दीन की तरफ आई तो कुछ मेरी फ्रेंड्स थी बड़ी फेमस हैं, वो मैं जी चूंकि सिंगर भी थी एक्टिंग भी करती थी, तो वो मेरे पास आई 2-3 दफा ना। अच्छा आई और आकर ना, अब वो दौर में, मैंने कहा ना कि पुराने दौर में तो मैं उनके जैसी थी, तो आकर ना मेरे से दीन के क्वेश्चंस करती थी, और उनकी
बातों में ना और उनकी आंखों में बड़ी एक कॉमेडी सी होती थी। जी देयर मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने ना बड़े दिल से उनको बताने की कोशिश की। फिर मैंने कुराने पाक में पढ़ा, मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग आपकी बात नहीं सुन सकते हैं, उनको छोड़ दें, उनको जी सलाम करके निकल लें। जी फिर मैंने उनको छोड़ा। और बहुत, क्योंकि मैं खुद ऐसी थी, मेरे साथ कोई अबाए वाली बीबी खड़ी हो जाती थी ना, जी मैं कहती थी यार ये देखो अब इसने तो मेरे पे कुफर का फतवा लगा दिया सही सीरियसली। सही और चूंकि पहले आप नोट करें, आपने कभी गौर किया कि लोग दीन की तरफ आके वापस क्यों चले जाते हैं? कभी सोचा आपने इस बारे में? इस वजह से वापस चले जाते हैं बिकॉज हम बीइंग अ सोसाइटी, जी हम इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हम ऐसे करते हैं जैसे, देखें मिसाल के तौर पे अगर कोई गुनाह हो जाए ना किसी शोबिस की बंदी से या जी जी किसी पॉलिटिशियन से, तो हम 2 मिनट में यार अच्छा ठीक है ये तो भूल गए। हमारा बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कंट्री में कि कोई भी किसी से गुनाह हो जाए तो उस गुनाह को जो फैला रहा है उसको कोई बुरा नहीं कह रहा होता, गुनाह करने वाले को कह रहे होते हैं। हमने उलमा से एक मिसाल सुनी है कि एक आदमी रोड के बीच में गंदगी फेंक दे, ये भी बुराई है। उससे ज्यादा बुरा वो है जो कोई डंडी लेके उसको फैला रहा हो। तो सूरह हुजरात में अल्लाह का वाज़े हुक्म है कि तजस्सुस मत करो, ऐब मत तलाश करो लोगों की। गीबत, गीबत किसे कहते हैं? कोई बुराई किसी में है तो उसको हाईलाइट करना। और हंसो नहीं एक दूसरे हाँ, के ऊपर, सबसे बड़ी ला बात यसहर है। कौमुन मिन कौमिन, ये चीज हमारी सोसाइटी से निकल गई है। इस तरह की जब भी यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होती हैं, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो कर रहा है, वो छुप के कर रहा है। शरीयत ने हुक्म दिया, उस पर पर्दा डालो। हमारे शेख थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे अगर कोई तुम्हारे सामने आके कहे ना कि फलां को मैंने ये गुनाह करते हुए देखा है, तो उससे कहा करो कि वो गुनाह तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुम जो गीबत का गुनाह कर रहे हो ना, ये तो तुम मुझको गवाह बना रहे हो। और दूसरी बात, मुमकिन है उसने उस गुनाह से तौबा कर ली हो, लेकिन तुम जो गीबत का गुनाह मेरे सामने कर रहे हो तो मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमने अभी तक इससे तौबा नहीं की है। तो तुम्हारा लेकिन बुरा होना तो साबित हो गया। तो इसको बहुत हमारी सोसाइटी में जो है ना एक ये बात बताऊं, जी मैं किस नतीजे पे पहुंची? देखिए जी मैं बड़ी डेयरिंग बंदी रही हूँ, आपको भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। जी मैंने बंजी जंपिंग की, जहाज से छलांग मारी, उफ, पैराट्रूपिंग की कि अच्छा सांप शेर, कार रैलियों में गाड़ियां रेसिंग अच्छा की, कार रेसिंग की, दुनिया का हर खतरनाक मैंने काम किया। मैं कभी जी किसी की नहीं सुनती। तो और कहा कि करीबी घर है, तो मैंने कहा फिर तो मैं मिलूंगा जाके, नहीं, उनको जज़ाकअल्लाह अप्रिशिएट खैर, भी अल्लाह करूंगा। आपको खुश और रखे। देखें, हमें भी जो है ना हौसला अफजाई की जरूरत है। ये नहीं होता कि कोई किसी शख्स पे आलिम होने का लेबल लग गया तो अब वो बुराई की तरफ जा ही नहीं सकता है, तो ये कभी भी नहीं होता। मैं अपने आप को दूसरों से अफजल नहीं समझता, मुझे भी हर वक्त खतरा रहता है कि मैं कहीं बुराइयों की तरफ ना चले जाऊं। तो हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार देखो ये किस माहौल में पले बढ़े हैं और फिर भी दीन की तरफ आए। और हम मदरसों में रहे हैं सारी जिंदगी, हमने घर में वालिद वालिदैन से कुरान और सुन्नत सुना है, तो उसके बाद भी अगर हम बेदीनी की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हशर होगा? तो ये मुझे खुद भी यानी मोटिवेशन मिलती है आपकी तरह के लोगों से मिलने से, और उलमा को भी इससे मोटिवेशन मिलती है। उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, जो जी सबसे बड़ा मेरा सबक है, कि वो एक सजदा जिसे तू ग्राह समझता है, जी 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जी यार तुम एक अल्लाह को पकड़ लो, एक जी अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने गुनाहगार, अल्लाह के सामने सवाब करने वाले, अल्लाह के सामने ही खड़े रहो। बाकी जो टॉम डिक हैरी जो मर्जी बोलता रहे, जी आई जी डू नॉट केयर एनी मोर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औकात अल्लाह की दी हुई होती है, जी लेकिन जी होती है। जी जी अब किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि वो मेरे DHA के अंदर या मेरी गली के अंदर, मैं अगर मना कर दूं तो वो दाखिल हो जाए। वो क्या जी भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, कितनी खराफात बक रहा है, आई डू नॉट केयर। हाँ सही मुझे ये जरूर लगता है कि या अल्लाह, बस मैं रात को सोते हुए ना, मैं आपको बताऊं, एक बेचैनी मुझे जरूर होती है। मैं अल्लाह जी से ये जरूर करती हूँ, अल्लाह प्लीज मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखाओ, मेरे जी मुलाजमों का, मेरे साथ इतनी खवातीन काम करती हैं, अल्लाह ने जी उनका रिस्के हलाल मेरे पर लगाया हुआ। जी जी मैं कभी कभार, मैं ना जिंदगी से बड़ी, कभी कभार ना बड़ी बेदिल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे तुझसे मिलना है, मुझे बस तू जी फौत कर दे, मैंने तुझे देखना, अपने रब को देखना। नहीं, मैं फौत होने की तो दुआ नहीं मांगनी नहीं, चाहिए वैसे आपके आई नो दिस इज रॉन्ग, आई नो, जी लेकिन होता है ना इंसान को अल्लाह से मिलने का जी इश्तियाक होता है। जी देखिए जी अल्लाह जी से प्यार का बंदे को जैसे मर्जी सारो। तो जी मैं उस वक्त एक बात सोच के रुक जाती हूँ कि अल्लाह ने इतने घरानों का वसीला मुझे बनाया, जी अगर माशाल्लाह मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा ना। मुझे बड़ा दिल करता है कि मैं, कोई आज तक मरने के बाद तो नहीं आया ना बताने के लिए कि क्या हुआ, जी तो जी मेरा दिल करता है मैं अपने अल्लाह से मिलूं, मुझे बहुत दिल करता है। माशाल्लाह और लेकिन यह है कि अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां उस वक्त तक मुझे जिंदगी दे, मुझे जिंदगी में ना टू बी ऑनेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मेरी शक्ल अच्छी है, मैं स्मार्ट हूँ,
मैं 50,000 ऐसे काम करती हूँ जो लोग नहीं कर सकते। मैं जी मेरी जो पेंटिंग्स हैं कभी मैं आपको भी दिखाऊंगी जी एग्जीबिशन आप वगैरह मगरमच्छ पालती हैं जो कोई नहीं पाल सकता, लेकिन ये उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि आपके लिए शोहर पालना तो बहुत आसान हो गया। आपका लगता है तजुर्बा भाभी के साथ कुछ ऐसा सही, खतरनाक नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपके जज्बात और मुझे खुद बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। सही है ना, है? ठीक है ना, कि हम तो सारा दिन मस्जिदों के माहौल में रहते हैं, मदरसों में रहते हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए तो दीन पे चलना शायद इतना मुश्किल ना हो, फिर भी हम ना चलें तो अल्लाह हमसे पूछेगा। और आप इस माहौल में भी माशाल्लाह दीन को फॉलो कर रही हैं, और मैं आपके यहाँ किताबें देख के हैरान हो गया, आपके जज्बात माशाल्लाह दीन के बारे में, तो बहुत खुशी हुई। और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारी जो लड़कियां जो लिबरलिज्म की तरफ जा रही हैं, जो मॉडर्निज्म की तरफ जा रही हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिली। अल्लाह और ताला मैं आपके जी लिए दो कैलीग्राफीज हैं, पकड़ाइएगा अपना जी अंदर। जी ये आपके लिए अल्लाह के नाम, जी जजाकल्लाह। शौक तो नहीं है, लेकिन ये कि इसके भैया बच्चे बड़ी मैं आपको प्यारी बिल्ली दिखाऊं, है। इतने प्यारे हैं अच्छा, माशाल्लाह। हाँ मुफ्ती दरवेश साहब रहमतुल्लाह अलैह के जैसे बिल्लियां होती हैं। हाँ वाह भाई वाह, ये तो मेरी छोटी बच्ची है, उस प्यारे जैसी है बिल्कुल। अच्छा बच्चे हैं अच्छा इसके अच्छा अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। तो आपका बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, वाकई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह और जजाकल्लाह। आप सबसे जो बड़ी दुआ है ना, देखें कहते हैं ना कि अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने फर्स्ट टाइम मुझे कब सुना, और उसके बाद क्या, यानी आपको कोई फायदा हुआ मेरे बयान सुन के? वो उनका मौलानाओं मैंने के सर पे सींग होते हैं, जिसकी वजह पता से आप नहीं, वो दूर हो। आपको पता नहीं है ना कि पीपल हैव, नाउ आई अच्छा अंडरस्टैंड। और मैं अच्छा ये गैप कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मौलाना तारिक जमील साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने उनके बयान सुनने शुरू किए। अच्छा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपका तर्ज बयां है, या आप जी लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लिया, हंसा दिया, फिर जी सीरियस जी बात कर दी, दैट इज जी व्हाट नीडेड। बिकॉज सही हार्ड कोर मुल्ला जो है वो हमें डराते सही हैं अल्लाह से, अल्लाह से डराते ज्यादा हैं अल्लाह से। आप मुझे बताएं, कुरान जी पाक के अंदर जहां पर अल्लाह ने डराया है, उसके फौरन बाद जन्नत की बशारत दी कि नहीं? जहां पे जी सख्ती की, फौरन नरमी की कि नहीं की? जी हमारे जो कुछ लोग हैं वो सख्ती तक ही रह जाते हैं जी और वो नरमी की तरफ आते ही नहीं है। बस असल में वो उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह डराते भी हैं, उम्मीद भी दिलाते हैं, लेकिन ज्यादातर यूट्यूब पे है नहीं, बस ये भी है ना सोशल मीडिया का, जो हमारे सही उलमा है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो जो तो लाइटर उसकी वजह आपका एक से। नोट है ना, जी जी जो जो एक फ्रेंकनेस है जी जी कि यार ठीक है, इट्स ओके इफ यू आर योर पर्सन, आई एम योर पर्सन टू फ्रॉम इनसाइड, एंड आई विल लेट यू नो हाउ जी जी टू गेट टू अल्लाह। सो दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट अ लॉट। और अल्लाह अच्छा, करे आप मेरा चैनल है जो तो पता ही होगा आपको, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, उसमें मेरे तफसीर के लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, जरूर सुना क्योंकि मुझे आपके टीचर ने बताया कि आप तफसीर के लेक्चरों में काफी, आप उन जी, लेक्चर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल तो वो उन लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर वन यानी लेक्चर नंबर टू स्पीचेस, जो मेरा चैनल है ना उस पे, तो ठीक है उसमें 8 लेक्चर हैं अरबी ग्रामर के, ठीक है, उससे आपको कुरान की इतनी अरबी समझ यानी ग्रामर आ जाएगी, जिससे आपको कुरान इंशाल्लाह समझ में आएगा। फिर इंशाल्लाह। उन्हीं लेक्चर्स को सुनने के बाद, जब आप वो तफसीर के लेक्चर सुनना शुरू करेंगी, तो 10-15 लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह कुरान कुरान की जुबान में समझ में आएगा। मैं इंशाल्लाह ये यू मैंने वो स्पेशली उन लोगों के लिए वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं जो कुरान को कुरान की जुबान में समझना चाहते हैं। अब मैं तो लिखती हूँ ना, जी अब ये मुफ्ती साहब का मैं बताऊँ, मेरे पर एहसान है कि इन्होंने मुझे कुरान ग्रामर सिखाई। अब जो मैं माशाल्लाह लिख रही होती हूँ तो जी मुझे पता होता है कि मैं क्या लिख रही हूँ। पहले मैं लिख रही होती थी एज इन राइटिंग, जी लेकिन अब मुझे मजा आ रहा होता है। आपका बहुत शुक्रिया, इन्होंने जी बड़ी मेहनत की मेरे पर। जी और जी बड़ा बेचारे रोज इतनी दूर से आते थे और मुझे कुरान माशाल्लाह की ग्रामर बताते थे, अल्लाह माशाल्लाह आपको जजा दे, और जी बगैर किसी मकसद के। ना माशाल्लाह, इन्होंने कभी फीस ली, ना कभी मुझे किसी बात, गुड ये अल्लाह के लिए आते थे। अल्लाह, मैं आपको माशाल्लाह। बता रही हूँ ना कि अल्लाह को जो जो इंसान मेरी मेरे लिए बेहतर लगता है, अल्लाह उसको मेरे जी पास जी भेज देता है, और माशाल्लाह, अल्लाह से मुझे जरूर इस्तफादा करेगा। बहुत अच्छा लगा जी, मुझे मेरी फ्लाइट है, थोड़ा पहुंचना है मुझे। चलो ठीक इंशाल्लाह है, जजाक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।